नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। गाइस, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो मुझे आज से काफी टाइम पहले बना देना चाहिए था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। और ये वीडियो बनाने का आइडिया आया मुझे कल रात को, जब मैं एक मेरी फ्रेंड से, काफी अच्छी फ्रेंड से डिबेट कर रहा था, आर्ग्यूमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि भैया ये जो आजकल पुलवामा अटैक के बाद आप इतनी बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप सेना में क्यों नहीं चले जाते या पॉलिटिक्स में क्यों नहीं चले जाते। तो भैया, इस टॉपिक के ऊपर ना मुझे अपनी बात रखनी थी बिंदास तरीके से। मैंने अपनी दोस्त को भी समझाने की काफी कोशिश की कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो जरूरी नहीं है कि आप सेना में ही जाओ या पॉलिटिक्स में ही जाओ या आपको कोई सरकारी नौकरी ही करनी पड़े। ऐसा करे बगैर भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए बातें शुरू करते हैं कि क्या देश के लिए कुछ करने के लिए आपको सेना में जाना जरूरी है, बॉर्डर पर जाकर बंदूक उठाकर लड़ना जरूरी है, पॉलिटिक्स में जाना जरूरी है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देश के लिए कुछ करने के लिए। मेरा सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। देश के लिए आप अपने लेवल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप समझदार नागरिक बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपने आसपास कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अलर्ट रहिए, अपडेटेड रहिए। आप 8 से रात के 8 तक की नौकरी करते होंगे, सुबह 9 से शाम 6 तक का या 5 तक का या 7 तक का आपका बैंक का जॉब होगा। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, या फिर आप एमआर हैं, हो सकता है आपको रात को 10-11 बज जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये तमाम काम कर रहे हैं, तो आपको जिंदगी का, लोगों से मिलने जुलने के बाद काम कैसे होता है, लोग कैसे डील करते हैं, क्लाइंट्स को कैसे डील किया जाता है, आपको ये तमाम चीजों का एक्सपीरियंस हो ही जाता है। परचूनी दुकान वाला या फिर एक बड़े शॉपिंग सेंटर वाला या फिर एक बड़ी कंपनी का मालिक अक्सर लोगों से डील करता है, तो उसे पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, इस आदमी को नौकरी पर रखूं या ना रखूं। तो उसी तरह से जब आप तमाम चीजें करते हैं, तो फिर आप सरकार या सरकार में जो लोग हैं या जो लोग देश को चला रहे हैं, उनके बारे में भी अपना एक ओपिनियन रखते हैं। अब मुझसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम सेना में क्यों नहीं चले गए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो बिलोंग करता हूं इंदौर से। इंदौर के पास में ही एक जगह है, छावनी कैंटोनमेंट एरिया, जिसे महू, MHOW, महू के नाम से जाना जाता है, जिसको फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से बदल दिया गया है, मतलब महू का नाम चेंज हो चुका है। तो महू जो है वो आर्मी एरिया है पूरा, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन महू के अंदर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं आर्मी के, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। 1971 के जो हमारे हीरो थे जनरल मानेकशॉ, उन्होंने वहां पे कई साल स्पेंड किए हैं, उन्होंने वहां पर कई सारे ट्रेनिंग दी है, कई सारे लेक्चर्स वगैरह दिए हैं, कई सारे होनहार जो हमारे एनडीए के या जो जवान जो तैयार होने आते हैं महू में, उनको ग्रूम किया है, तैयार किया है। तो महू में जो है अक्सर आर्मी की यानी सेना की भर्तियां हुआ करती थी। अब भाई, मेरी हाइट क्या है ना कि उनके क्राइटेरिया से बहुत कम है। जब भर्ती होती है तो आपने देखा होगा कि जैसी भीड़ रोडीज में या इंडियन आइडल में या इस टाइप के शोज में जो भीड़ होती है, उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ होती है आर्मी की भर्ती में सेना की। तमाम तरह के गाँव के देहात के लोग पहुंचते। मैं 3 बार गया था और तीनों बार मुझे रिजेक्ट किया गया, क्योंकि मैं जो हाइट का क्राइटेरिया था ना, उसके बहुत नीचे रहता था। वो जब एंट्री करते हैं अंदर लड़कों की, तो एक बांस की एक लकड़ी लगा के रखते हैं कि इससे नीचे जो भी होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरा तो घुसते से ही रिजेक्शन हो जाया करता था। हाँ, हालांकि मेरे परिवार का आर्मी से और सेना से काफी गहरा रिलेशन रहा है। मेरे जो बड़े मामा है वो राजीव गांधी ने जब शांति सेना भेजी थी लिट्टे श्रीलंका, उसका पार्ट थे। मेरे एक और मामा जो रिटायर हो गए, वो युगांडा गए थे मिशन पर। एक और मेरे मामा हैं जो कि फिलहाल जैसलमेर में तैनात हैं। आर्मी से और आर्मी के लोगों के रहन सहन से, उनकी जिंदगी से मेरा बहुत बढ़िया वाला कनेक्शन रहा। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाया। आर्मी में मेरा नहीं हो पाया तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई, या क्या देश के लिए कुछ करने का जज्बा मेरे अंदर से खत्म हो गया? मेरी दोस्त का कहना था कि भाई, हम IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं ताकि हम देश के लिए कुछ कर सके। तो भैया, सीधी सी बात है, आप IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे, आप घंटा करोगे कुछ देश के लिए। मैं तमाम तरह के लोगों से मिल चुका हूं, अच्छी खासी रिसर्च कर चुका हूं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं, वो सिवाय चूतिया बनाने के और कुछ नहीं करते। लालू यादव ने करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी बना ली, कौन सी देश की सेवा की उसने? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में उनका नाम आता है। क्या आप देश की सेवा करके रिचेस्ट पॉलिटिशियन बन सकते हैं? फिर ले देकर बात आ जाती है मोदी के ऊपर। मोदी इतने साल तक गुजरात का CM रहा, मोदी की कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उसका नाम आता है, कितनी बार उसका नाम आया वर्ल्ड के रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में, कितना मोदी का बैंक बैलेंस है। मोदी की फैमिली गुजरात में अपने नॉर्मल रूटीन से काम कर रही है। या फिर आप APJ अब्दुल कलाम साहब को देखिए, देश सेवा का जो जज्बा होता है वो ऐसे लोगों में होता है जो खुद के लिए कुछ नहीं करते। चाहते तो अब्दुल कलाम साहब का पूरा परिवार VIP ट्रीटमेंट लेता रहता है, या मोदी का परिवार VIP ट्रीटमेंट लेता रहता है। आज राहुल गांधी का
आज राहुल गांधी को कोई संवैधानिक पद नहीं मिला हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी सबको वीआईपी सिक्योरिटी मिलती है, वीआईपी बंगले मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, हर जगह उनको डिस्काउंट मिलता है, हर जगह रियायत मिलती है। क्या ये सब मोदी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए था? मोदी के परिवार को मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी ने ये सब नहीं किया क्योंकि उनको अपने परिवार से ज्यादा देश के लिए प्यार है। तो जो देश के लिए कुछ करने आते हैं ना, वो इस तरह आते हैं, जो मोह माया अपने परिवार को फैसिलिटीज को छोड़कर देश के लिए हमको कुछ करना है। ये लॉजिक देना कि मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं या सेना में चला जाऊं तो देश के लिए कुछ करूंगा, घंटा कुछ कर पाओगे? आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, सबसे पहले तो आप अपनी जेब गर्म करोगे। दुनिया भर के जो तामझाम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको करने पड़ेंगे। कल को कोई मंत्री आएगा, कोई इवेंट होगा, तो आपको वहां पर सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे आईएएस आईपीएस के बारे में आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा, जिन्होंने आते से ही सिर्फ अपनी जेब गर्म करना शुरू की। ऐसे लोग जो आए थे बड़ी बड़ी डींगे हाक करके, हम देश के लिए कुछ करेंगे, पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, हम पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। आए दिन आपको कहीं ना कहीं न्यूज मिली जाती होगी, विजिलेंस ने, इनकम टैक्स ने फलाने को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, आय से अधिक संपत्ति, जिसकी सैलरी 90,000 है लेकिन अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है, तो कहां से आया? देश की सेवा करने से ये पैसा नहीं आता है। गरीबों का, दबे कुचले लोगों का, हक का जो पैसा होता है वो आप डकार लेते हैं तो आप रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। बेसिकली ऐसे लोग जो ये बहुत डींगे मार मार कर आते हैं कि यू नो हम कलेक्टर बन जाएंगे या हम सेना में चले जाएंगे या हम पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो देश को बदल देंगे। आपके सामने बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है केजरीवाल का, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी करप्शन के खिलाफ, आज उन्हीं करप्ट लोगों के साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। अब यहां बात चली है तो फिर एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ सरकार से सवाल करो, आप सरकार से सवाल करो, आप सिस्टम से सवाल करो, ये आपका हक बनता है, जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार नागरिक जैसे कि रवीश कुमार, ये कह रहे हैं कि भैया इमरान खान को थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा दिल दिखाया, अभिनंदन को छोड़ दिया। भैया रवीश बाबू, आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हो, इमरान खान को थैंक यू बोल रहे हो, क्या आपने इतना सा भी दिल बड़ा किया मोदी के लिए या अपने खुद के पीएम के लिए? यहाँ जो एक पूरी लॉबी है, जो चाहे रवीश हो, चाहे बरखा हो, चाहे पूरा लिबरल गैंग हो, चाहे राहुल हो, राहुल से याद आया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मसूद अजहर जी एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर। ये पहले नहीं है, सुशील कुमार शिंदे ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था श्री हाफिज सईद। ओसामा बिन लादेन को दिग्विजय साहब ने बोला था ओसामा जी। दूर पर ये ओसामा जी जो है। तो मतलब टेररिस्ट लोगों का महिमा मंडन करना, पड़ोसी मुल्क के पीएम को थैंक यू बोलो दिल बड़ा करके, ये सब आप बोलोगे, लेकिन हमारा खुद का पीएम जाता है, चाय वाला है, मौत का सौदागर है, घटिया है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है, ये है, वो है, गंदी नाली का कीड़ा है, ये सारे अल्फाज यूज किए जाते हैं हमारे पीएम के लिए। चलो भैया पीएम मान लिया बीजेपी का, तुमको बीजेपी से नफरत है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ, उनको तुम्हारी पार्टी के लोग सड़क का गुंडा बोल देते हैं, मवाली बोल देते हैं, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको तुम जी लगाते हो, सम्मान देते हो, तो मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये सब करके आप एक जिम्मेदार नागरिक का, जिम्मेदार भारतीय होने का सबूत दे रहे हो? है? आपको सवाल पूछना है तो सिर्फ मोदी से ही क्यों पूछते हो? आपने यूपीए के 10 सालों के करप्शन के ऊपर कभी मनमोहन से सवाल पूछा कि सुरेश कलमाड़ी ने 10 रुपए का टिश्यू पेपर 500 रुपए में क्यों खरीदा, या फिर श्री प्रकाश जायसवाल ने जो कोल स्कैम किया, या फिर जिंदल स्टील का जो स्कैम हुआ था, या 2G या CWG, इतने स्कैम हुए, आप क्यों नहीं सवाल किया? आप लोगों ने क्यों सवाल नहीं करते हो आप केजरीवाल से कि भैया जिस करप्शन के खिलाफ आप लड़ने आए थे आप उसी करप्शन वाले लोगों के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हो? तो भैया ऐसे लोग जो दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं कि भैया आप अपने वीडियो में बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो, बॉर्डर पे चले जाओ, देश के लिए कुछ करना है तो अरे भैया मीडिया ज्वाइन कर लो, अरे भैया गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो, सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है। हाँ, सरकार से सवाल पूछने का हक आपको सिर्फ 2014 के बाद याद आया, 2014 के पहले आपको रेवड़ियां मिलती थी तो ना आप सवाल पूछते थे, ना ही कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, ना ही कुछ आंदोलन होते थे। अब तो हाल ये हो गया कि मोदी का विरोध करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। एक वीडियो मैंने डाला था 16 फरवरी को, अगर आपको याद हो तो, न्यूज आ रही है जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई एम श्योर सरकार डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगी और सरकार को करना ही चाहिए। एंड जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग हुआ है जहां पर सारी पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट ऑफर किया है, आई थिंक सरकार को इन सब लोगों से साइन भी ले लेना चाहिए कि अभी तो तुम बहुत सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि चुनाव है, इमेज बनानी है कि हम राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं, अगर ऑपरेशन के टाइम पर या कार्रवाई के टाइम पर तुम लोगों ने बीच में अड़ंगा डाला तो भोसड़ी वाला तुमको सबसे पहले गोली मारी जाएगी वहां पर, ऐसा एक डॉक्यूमेंट पर साइन ले लेना। तो इस वीडियो में जो मैंने कहा था वो चीज अब हो रही है। ये लोग जो आज सरकार से सवाल पूछने की बड़ी यू नो वकालत करते हैं, इन लोगों के बारे में मैंने उसी दिन बोला था कि ये हरामखोर लोग जो आज यू नो सेना के साथ, हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इन लोगों से एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना चाहिए था, क्योंकि उस दिन सरकार के हर एक्शन को सपोर्ट करने वाले लोग आज सरकार से सबूत मांग रहे हैं। देखा जाए तो इन लोगों की भाषा और पाकिस्तान की भाषा में बिल्कुल अंतर नहीं है।
मैं तो भैया आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि धर्म पार्टी मोदी राहुल से उठकर देश के लिए सोचो। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, देश हमेशा से था और देश हमेशा से रहेगा। आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, आप देश के लिए सोचिए ना कि देश के लिए कौन इंसान अच्छा है। क्या ये लोग अच्छे हैं जो कहते हैं कि मोदी डिवाइड एंड रूल करता है, मोदी ने लोगों के बीच में दरार पैदा कर दी है। अरे भैया दरार पैदा कर दी? अरे कौन सी दरार पैदा कर दी भैया? कल तक जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे आज वो सब एक हो गए हैं, सब एक ही थाली में खा रहे हैं। ऐसी यूनिटी, ऐसा भाईचारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। आप ये बात क्यों नहीं बोलते हो? आप इसके बारे में ओपनली बात क्यों नहीं करते हो? डिबेट क्यों नहीं करते हो? तो भैया तमाम बातों का निचोड़ ये है कि सरकार से सवाल पूछना सबका हक है, लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं, आपके आसपास जो सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आपकी लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, सबसे सवाल पूछे ना। और वो लोग जो कहते हैं कि आपको देश की इतनी पड़ी तो आप गवर्नमेंट जॉब करो, आप सेना में चले जाओ, लेकिन जाओगे कैसे भाई? मोदी ने बेरोजगारी बढ़ा दी। जब से मैं बच्चा था ना तब से मैं ये चीज सुनता आ रहा हूँ, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। भैया एक प्यून की भी ओपनिंग निकलती है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तो 1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये बेरोजगारी का फंडा जो है ना, ये काफी टाइम से मैं देख रहा हूं। वहीं अगर मैं ये कहूं कि भैया प्राइवेट सेक्टर में भी भर भर के जॉब है, बीपीओ में जाओ आपको एंट्री करते से ही 20,000, 19,000, 18,000, 21,000, 25,000 तक के पैकेज मिलते हैं आपके स्किल्स और कैलिबर पर, लेकिन नहीं, हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए भैया? काम नहीं करना पड़ेगा, पेंशन मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। आपको लाइफ भी सेट करनी है और आपको देश के लिए भी कुछ करना है, ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं चल सकती हैं। तो ऐसे लोग जो इस उम्मीद में कि हम कलेक्टर बनेंगे, हमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कलेक्टर का ही जॉब चाहिए, हम प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं देखेंगे, लेकिन हम बेरोजगारी का ठेकरा फोड़ेंगे मोदी पर। तो भाई कभी कभी ना खुद अपनी गिरेबा के अंदर भी झांक के देख लिया करो। एक पोस्ट निकलती है बैंक में या कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अप्लाई करने वाले लाखों होते हैं। तो ये चीज तो कई सालों से चली आ रही है। मैंने अपना एग्जांपल दिया, अगर मैं सेना में नहीं जा पाया तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी? मैंने ऑप्शन तलाशे, प्राइवेट सेक्टर में घुसा, इधर घुसा, अपनी स्किल्स को डेवलप किया। आप भी करो ना अपनी स्किल्स, जरूरी नहीं कि आपको सेना में ही जाओगे तो ही देश के लिए कुछ करोगे। आप अपने लेवल पर छोटी छोटी एक्टिविटी कीजिए, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, सड़कों पर गंदगी मत फैलाइए, कुछ सामान खरीद रहे हैं तो बिल लीजिए उससे, आप टैक्स अपना टाइम पर पे कीजिए, आप अलर्ट रहिए, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए। अपनी छोटी सी जिंदगी में छोटे से लेवल पर आप छोटे छोटे इनिशिएटिव लीजिए और देश के डेवलपमेंट में अपना छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मोदी एयरफोर्स या हमारी आर्मी आपको नहीं बोल रही कि आप आओ अब सेना पर लड़ने, भैया आप मत आओ, आप आराम से अपनी जिंदगी में मगन रहो। हम हैं इंडियन बनने के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, आप ऐसी टुच्ची पनी मत करो कि हमारी आर्मी का, हमारे जवानों का मोराल ही डाउन हो जाए। आप ऐसे इंडियन बनो कि हमारे जवानों को फक्र हो कि भैया ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके लिए हम हंसते हंसते गोली खाने को तैयार है। ऐसा इंडियन बनने की जरूरत है आपको, सबको, मुझको। तो इसी नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। मेरी बातें कई लोगों को ऑब्वियसली बात है बुरी लगी होंगी, लगी हो तो लग जाए, मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ता है। आप तक एक सीधी बात लेकर आना मुझे जरूरी लगा तो मैं लेके आया। आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सबके साथ जरूर कीजिएगा। जय हिंद।